चय सुनीता क्या तुम इस जीव का नाम बता सकती हो हाँ, इसका नाम अमीबा है। और क्या तुम इन जीवों का नाम भी बता सकती हो हाँ, पहला एक पेड़ है और दूसरा एक डायनासोर है बहुत अच्छे अब इन प्राणियों को पहचानो ये सर्प गरुड़ और डॉल्फिन है सुनीता क्या तुम्हें पता है कि करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन कैसा था और कैसे अनेक प्रकार के जीव आद्य पृथ्वी से प्रकट हुए नहीं हाउ मैं तुम्हें समझाती हूँ कि करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर क्या हुआ और सभी जीवों डायनासोर अमीबा पौधे और अन्य जीव जंतुओं का विकास कैसे हुआ उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे बिग बैंग सिद्धांत को समझना आपेरन और हालडेन द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए मिलर के प्रयोग को समझना जीवन स्वरूप के विकास को समझना विकास के विभिन्न प्रमाणों की पहचान करना तुल्य रूप और समझात संरचनाओं के बीच अंतर की पहचान करना अनुकूली विकिरण की अवधारणा को समझना बिग बैंग सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत यह बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत में क्या हुआ इस सिद्धांत के अनुसार एक महाविस्फोट से ब्रह्मांड का विस्तार हुआ इस प्रकार तापमान में कमी आई कुछ समय बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बनी उसके बाद अन्य गैसों का निर्माण हुआ ये गैसे गुरुत्वाकर्षण के कारण संघनीभूत हुई और आकाश गंगाओं का गठन हुआ मिल्की वे आकाश गंगा के सौर मंडल में पृथ्वी की रचना 4.5 बिलियन 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी पृथ्वी के वायुमंडल का निर्माण प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं था पृथ्वी की सतह गलत पदार्थों से निर्मुक्त हुई जलवाष्प मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया द्वारा ढकी थी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों ने पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडित कर दिया ऑक्सीजन ने अमोनिया और मीथेन के साथ मिलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड की रचना की परिणाम स्वरूप ओजोन परत का गठन हुआ जब तापमान कम हुआ तो जल बरसात के रूप में बरसी और महासागरों की रचना हुई पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 500 मिलियन वर्ष बाद जीवन प्रकट हुआ स्वतः जनन का सिद्धांत पूर्व ग्रीक विचारकों के अनुसार स्पोर नामक जीवन की इकाई विभिन्न ग्रहों में स्थानांतरित हुई लुई पाश्चर ने प्रायोगिक रूप से यह प्रदर्शित किया कि जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकलकर आता है ये स्वतः जनन नामक सिद्धांत था उन्होंने अपने सिद्धांत को निम्नानुसार सिद्ध करने के लिए दो फ्लास्कों का उपयोग किया जीवन की उत्पत्ति का आपेरिन हाल सिद्धांत आपेरन और हालडेन के अनुसार रासायनिक विकास के बाद जीवन का निर्माण हुआ जीवन का विकास महासागरों में हुआ जब वायुमंडल में एच टू एच टू ओ थ्री सी एच फोर और CO2 टू की कमी थी लेकिन मुक्त ओ टू नहीं थी कार्बनिक यौगिक पराबैंगनी प्रकाश ऊर्जा द्वारा गैर जैविक रूप में संश्लेषित किए गए बिना मुक्त ओ टू के उनका ऑक्सीकरण किया गया ये कार्बनिक अणु स्थिर होकर गर्म तनु शोरबे में संचित हो गए इन अणुओं ने नष्ट होने से बचने के लिए अपने चारों ओर एक झिल्ली का निर्माण किया ऐसे कोशिकांगों ने रसायनों का अवशेषण वृद्धि विभाजन किया और अपने चारों ओर मौजूद कार्बनिक अणुओं के किड़वन द्वारा ऊर्जा प्राप्त की इस प्रकार प्रथम जीवन स्वरूप की उत्पत्ति हुई मिलर का प्रयोग उन्नीस में एस एल मिलर ने प्रयोगशाला में पृथ्वी की प्रारंभिक दशाओं के समान परिस्थितियां पैदा की उन्होंने सी एच फोर एच टू थ्री और जल वाष्प युक्त बंद फ्लास्ट में 800 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत डिस्चार्ज उत्पन्न किया कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि अमीनो अम्ल शकरा नाइट्रोजन क्षार वर्णक और वसा का निर्माण हो गया ये प्रयोग इस बात का समर्थन करता है कि रासायनिक विकास के बाद जीवन की रचना हुई विशेष सृष्टि का सिद्धांत पारंपरिक धार्मिक साहित्य के अनुसार विशेष सृष्टि के सिद्धांत की तीन संकेतार्थ हैं वो सभी जीव जिन्हें हम आज देखते हैं ऐसे ही सर्जित हुए होंगे उत्पत्ति के समय से ही ये जैव विविधता थी और भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी पृथ्वी लगभग चार हजार वर्ष प्राचीन है जीवन स्वरूप के विकास पर चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि विद्यमान सजीव कामोवेश आपस में समानताएं तो रखते ही हैं बल्कि उन जीव रूपों में भी समानता रखते हैं जो करोड़ों वर्ष पूर्व के समय विद्यमान थी उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव संख्या के लक्षणों में विभिन्नता निहित होती है जो कुछ जीवों को प्राकृतिक दशाओं में अच्छी तरह से जीवित रहने में सक्षम बनाती है इसे उपयुक्तता के रूप में जाना जाता है इस प्रकार जो एक वातावरण में अच्छी तरह से उपयुक्त थे प्रकृति द्वारा वरण होता गया इसे प्राकृतिक वरण का नाम दिया गया और इसे विकास के प्रतिमान के रूप में लागू किया विकास के प्रमाण पृथ्वी पर जीवन स्वरूप के विकास के समर्थन में प्रमाण जीवाश्म के अध्ययन तथा विभिन्न जीवन स्वरूपों की तुलनात्मक शारीरिकी और आकारिकी से सामने आए जीवाश्म जीवाश्म चट्टानों में पाए जाने वाले जीवन स्वरूपों के कठोर भागों के अवशेष हैं जीवाश्म युक्त विभिन्न आयु की चट्टानों की तल छठ के अध्ययन से ये पता चलता है कि समय समय पर जीवन के रूप बदलते रहते हैं और कुछ जीवन रूप विशेष भूवैज्ञानिक काल तक ही सीमित रहे ऐसे प्रमाण पूरा जीवी प्रमाण कहलाते हैं समजात संरचनाएं जब समान संरचनाएं विभिन्न जरूरतों के अनुकूलन के कारण भिन्न भिन्न दिशाओं के साथ विकसित होती हैं तो ये अपसारी विकास कहलाता है ऐसी संरचनाएं समजात संरचनाएं कहलाती हैं उदाहरण बोगन बेलिया एवं क्यू बिटा के क्रमशः कांटे एवं प्रतान तुल्य रूप संरचनाएं जब विभिन्न संरचनाएं समान कार्यों के लिए विकसित होती हैं, तो ये अभिसारी विकास कहलाता है ऐसी संरचनाएं शरीर विज्ञान की दृष्टि से असमान होती हैं, भले ही उनके कार्यकलाप समान हो ये तुल्य रूप संरचनाएं कहलाती हैं। उदाहरण पेंगुइन और डॉल्फिन मछलियों के पक्ष अनुकूली विकिरण एक विशेष भू भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भू भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को अनुकूली विकिरण कहते हैं उदाहरण एक गैलापैगो द्वीप की डार्विन फिंच दो ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल क्या आप जानते हैं विकासात्मक अनुवांशिकी जीवाश्मिकी और विकास परक विकासात्मक जीव विज्ञानी की उन्नति से ये पता चलता है कि प्रजनक प्रकर्मों और जंतुओं में कोशिका प्रकार विनिर्देश तंत्रों के कारण अनेक संरचनाएं स्वतंत्र रूप से विकसित होती हैं न कि पहले से मौजूद जीवन रूपों से सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराए अधिकतर वैज्ञानिक रासायनिक विकास में विश्वास रखते हैं अर्थात जैव अणुओं के गठन के बाद जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ चार्ल्स डाविन ने निष्कर्ष निकाला कि विद्यमान सजीव कमोवेश आपस में समानताएं तो रखते ही हैं, बल्कि उन जीव रूपों में भी समानताएं रखते हैं जो करोड़ों वर्ष पूर्व के समय विद्यमान थी जीवाश्म चट्टानों में पाए जाने वाले जीवन स्वरूपों के कठोर भागों के अवशेष हैं समान संरचनाएं जो भिन्न भिन्न कार्य करती हैं समजात संरचनाएं कहलाती हैं शारीरिक रूप से असमान संरचनाएं समान कार्य करती हैं तुल्य रूप संरचनाएं कहलाती हैं